Hello, my dear friends. Welcome to our channel ISP Says Possibly. I am Prem Kumar and I have appeared in 66 and 67 BPSC mains. और देखिए यहाँ पे हम लोग 67 का भी कटअप डाल चुके हैं मेंस का, उसी तरह से 68 का बहुत लोग का डिमांड था तो हम लोग डाल रहे हैं और इसमें पूरा डीप एनालिसिस किया गया है एंड पूरा हम लोग दिखाएंगे इसमें और क्या सीट्स है, क्या क्वेश्चन था, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक करेंगे वीडियो को, इट्स माय होली रिक्वेस्ट. एंड कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछेंगे. देखिए तो 68 का आपको रिजल्ट आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है मेंस का, और नवंबर में हो सकता है इंटरव्यू हो जाए. तो 67 का तो हम लोगों ने सब अपडेट डाल दिया है, आप लोग चेक कर सकते हैं. आरटीए का कॉपी भी डाला हुआ है, 67 का मेंस का हम लोगों ने मॉडल आंसर भी डाला हुआ है आरटीए आने से पहले, तो आप लोग देख सकते हैं कितना मार्क्स आ सकता है वो, तो हम लोग इसमें देखने वाले हैं. देखिए सबसे पहला चीज़, 68 बीपीएससी मेंस का कटअप जाने के लिए ये कटअप को अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पैटर्न भी बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है और आपको क्वेश्चन का भी लेवल चेंज है, तो 67 से कंपेरिजन करना मुश्किल है. लेकिन एक सेफ स्कोर रेंज देखने का प्रयास करेंगे. देखिए कौन कौन सा फैक्टर है जो कि कटअप को डिसाइड करेगा, सीट्स, क्या पैटर्न था, तो पैटर्न तो चेंज हो गया ना, वो यूपीएससी टाइप का शॉर्ट आंसर भी कंपलसरी कर दिए हैं, तो ये सब है. नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गया है पिछले के अकॉर्डिंग, देखा जाए क्वेश्चन लेवल में भी चेंजेस हुआ है, ज़्यादा ऑफ ही बोला जाएगा. और लेंथी पेपर था, आउट ऑफ बॉक्स बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, तो बहुत सारा मार्किंग पैटर्न पे भी डिपेंड करता है, जैसे कि किस तरह का कॉपी चेक करा है, ऑनलाइन चेक करा है और अभी एक सब्जेक्ट को एक टीचर चेक कर रहा है, तो ये भी मतलब कि हैम्पर करेगा थोड़ा सा कटअप को कम ज़्यादा करने में. ऑप्शनल का क्या, ये तो अब हटा दिया गया, ऐसे आ गया तो ऐसे में ज़्यादा मार्क्स उठाना मुश्किल ही है, तो ये सब देखेंगे हम लोग. तो ये सारा फैक्टर रहेगा, इसी पे डिपेंड करता है. देखिए आप लोग एक चीज़ दिखा दें हम लोग, ये 68 में आपको 324 सीट है मात्र और 67 में 802 सीट है, तो बहुत लोग बोलेंगे तो ये ढाई गुना या दोगुना से ज़्यादा मतलब सीट कम है, तो इस चीज़ को आप लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि कटअप ज़्यादा कम भी जाएगा तो सीट भी तो कम है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोगों को देखना पड़ेगा. और 67 का तो हम लोगों ने सब डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं, और क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं. तो आप लोग हम लोग के चैनल पे अभी नए जुड़े हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा. एंड देखिए यहाँ पे ये चीज़ है GS1 में अगर आप क्वेश्चन देखिएगा तो हम लोगों ने ये एक एवरेज स्कोर 160 ले लिया है कटअप बनाने के लिए. हिस्ट्री मॉडरेट क्वेश्चन था, आई आर टॉप क्वेश्चन था, स्टेट्स का मॉडरेट क्वेश्चन था, ये हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भी. और जीएस में 125 हम लोगों ने लेने का प्रयास किया. पोलिटी जो है आपको मॉडरेट था, इकोनॉमिक थोड़ा सा टॉप बोला जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा डायमेंशन कवर था, साइंस एंड टेक मॉडरेट बोला जाएगा, ईजी तो कोई नहीं था, ऑप्शनल क्वालिफाइंग है तो इसका तो कोई ज़्यादा लोग हिस्ट्री भी रख दिया है और साइंस इंजीनियरिंग वाले भी अवलोक रहे हैं हिस्ट्री, तो ये देख सकते हैं. ऐसे पेपर थोड़ा सा था जैसे कि पहला बार हम लिटरेचर पर लिख सकते हैं लोग, ये आपको इंटरनेट पर दूसरा वाले में, थर्ड वाला थोड़ा सा टॉप था बिहार वाला, ये हम लोग देखते हैं अभी. इसमें हम लोग 125 लेकर चले हैं, तो क्या फाइनल कटअप होगा ये मेंस का उसका, वो हम लोग देखते हैं. उससे पहले थोड़ा सा ये आप ऐसे का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए. फॉरेस्ट क्रिएट्स इट्स ऑन ट्रीज, इट डज नॉट वेट फॉर द पीपल टू थ्रो सीड्स, मतलब जो जंगल है अपना पेड़ खुद तैयार करता है, ऐसा नहीं है कोई आएगा जंगल में बीज बोएगा और तब पेड़ उगेगा, नहीं, मतलब कि कहने का मतलब कि आप अपना काम खुद करें, जैसे कि ऐसा नहीं कोई आकर आपसे काम बोलेगा तब करिएगा, आपका जो जरूरत का चीज़ है वो करिए. ये मतलब बहुत ही डायमेंशन प्लस पॉलिसी है और यूपीसी टाइप का. लिटरेचर इज नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ नॉलेज बट ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ मॉरल एंड सोशल एक्टिविटी, इस पर बहुत लोग लिखे होंगे जिनका लिटरेचर ऑप्शनल है या जो जनरल टाइप से थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, ये लोग छोड़े होंगे, तो जो भी ये देख सकते हैं. तो एक क्वेश्चन में आप ऑलमोस्ट हमको लगता है इसमें 100 में आप 40 तो ला ही सकते हैं चाहिएगा तो, और इसमें चाहिएगा तो 50 ला सकते हैं इंटरनेट वाला में, ये वर्ल्ड को ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन वाला में, और ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था इंटरनेट और ये सोशल मीडिया ये सब आप तो आज जानते ही हैं, तो ये सब लिख सकते हैं या कोई ये भी लिखोगे तो इसमें आई थिंक हम लोग 50 लेकर चल रहे हैं, 50 और 40 90, और यहाँ पे हम लोग इसमें 30 ही लेकर चलेंगे, 700 से 800 वर्ड में लिखना था और 100 का है. तो देखिए धर्म के बिना विज्ञान नागर छे, विज्ञान के बिन धर्म आनर छे, तो ये चीज़ को ये इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहिए, बहुत लोगों को प्रॉब्लम हुआ है जो अलर स्टेट से हैं जो भोजपुरी नहीं जानते हैं उन लोगों का, और ये चीज़ है. और पानी में मछरियाँ नौ नौ कुटिया बकरा, ये तो आप लोग गांव में सुनते हुए होंगे कहा, जैसे कि कोई चीज़ आपके पास आया नहीं और उसका आप लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि किसको कितना क्या मिला है, जैसे रिजल्ट आया नहीं और आप एकदम है कि ये पोस्ट मिलेगा वो पोस्ट मिलेगा आप एकदम, या उसका पूरा खुशी मना रहे हैं, तो ये सारा चीज़ आप लोग रिलेट करके ही लिखना था. अगला खेती आगे आगे पिछला खेती भागे जागे, तो ये सभी मतलब बिहार का कहावत ही है, तो ये वाला थोड़ा सा टॉप हो जाएगा, तो इसमें हम लोग 30 लेकर चल रहे हैं, तो 50 इंटरनेट वाले में, 40 आपको लिटरेचर वाले में, 30 इसमें, 120 हम लोग लेकर चल रहे हैं. मुस मोटे ये लोड़ा हो या नहाती ना घोड़ा हो, ये भी बहुत अच्छा कहावत है, इस पर आप लोग लिख सकते हैं. यहाँ पर हम लोग का आंसर ये नहीं है कि क्वेश्चन को डिस्कस करें या उसका सोल्यूशन, हम लोग का मेन मतलब मोटिव है यहाँ पर ये कट्टा बताना. तो 125 लेकर चल रहे हैं ये ऑप्शनल में, 120 था 125 लेकर चल रहे हैं, GS2 में भी 125 और GS1 में 160, देख लीजिए थोड़ा सा. GS1 में शॉर्ट आंसर लिखना था लेकिन ये सेकुलरिज्म वाला आप टॉपिक आराम से लिख सकते हैं, ये
रीजनल पॉलिटिक्स, कास्ट पॉलिटिक्स, बीपीएससी में बार बार आते हैं, भी आराम से लिख सकते हैं आप लोग पॉलिटी वाले में। कॉन्स्टिट्यूशन का डायरेक्शन के बारे में डेमोक्रेसी भी लिख सकते हैं, कुछ एट ए टाइम बनाना था लेकिन आप लिख सकते हैं इसमें। ये रिव्यू, जुडिशल रिव्यू वाला भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर कैसे ये इम्प्रूवमेंट हुआ है बिहार में, उसको लिखना है, ये भी आप लोग लिख ही लिए होंगे। लेकिन हम लोग इसमें कमी मार्क्स जोड़ कर चल रहे हैं। तो जैसे कि देखिए इसमें हम लोग कितना जोड़े थे, 160 जोड़े थे ना। तो आप हिस्ट्री में नहीं भी लाइएगा तो 60 कम से कम लाइए, ठीक है। और स्टेट्स में अगर 50 भी ला लेते हैं, और 50 अगर आप IR में ला लेते हैं तो आपका 160 नंबर हो जाएगा। और GS2 में देखिएगा तो पॉलिटी में अगर आप चाहिएगा तो 60 ला सकते हैं, साइंस में आप चाहिएगा तो 72 का होता है ना, तो आप 35 तो मान ही सकते हैं, ठीक। और इसमें आप चाहिएगा तो ये कितना हो गया, 95 हो गया। और इसमें आप चाहिएगा तो 30 नंबर आप इसमें ला सकते हैं, मतलब कि अगर 30 नहीं इसमें तो ज़्यादा आ सकते हैं ना, आपका 40 इसमें आप ला सकते हैं, 100 इसमें 30 जोड़ लीजिए अगर आप चाहते हैं साइंस में कम करना। 130 आ रहा है तो इसमें 5 मार्क्स कम करके वहीं 125 कर दीजिएगा, 60, तो ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट इन, ये जूनल काउंसिल, ये UPSC टाइप का क्वेश्चन है, या आप PYQ बनाएगा, UPSC में तो मिल जाएगा, और PT में भी पढ़ते हैं। तो ये अगर छोड़ दिए होंगे तो कोई बात नहीं, कास्ट लिए तो BPSC के रिप्टेड है तो ये तो लिख लिए होंगे, और इलेक्शन कमीशन वाला भी मैक्सिमम लोग लिख लिए होंगे, या नहीं तो आप राज्यसभा भी डाले लिख सकते हैं। तो पॉलिटी मतलब मॉडरेट ही है, ज़्यादा टफ नहीं बोला जाएगा। ये नेशनल पॉलिटिक्स हम लोग ये पॉलिसी वाला कवर कराए थे 67 में भी, ये 68 में भी पूछ लिया, तो ये इजी खुला जाएगा। ये अटल इनोवेशन मीडिया, ये भी ठीक ठाक था, इसमें भी लिखा जा सकता है। ये करंट में बहुत सारा न्यूज में था, ऑर्गेनाइजेशन वाला भी आप लोग लिख लिए होंगे, ये UPS वाले तो आराम से लिख लिया, ओशन डाइपोल में इसमें थोड़ा कम लिख पाए होंगे, इसलिए हम लोग ये टॉप कैटेगरी में डाल रहे हैं, क्योंकि ये BPSC में बहुत कम लोग बनाते हैं। ये अर्बन रूरल डिजिटल डिवाइड भी आप लोग लिख लिए होंगे, और ये ग्लोबल ट्रेड एंगेजमेंट, ये RCEP वगैरह, आपसे FIA साइन हुआ था, ये न्यूज़ में था, वो नहीं लिखोगे तो ये जरूर लिखते होंगे, ये भी न्यूज़ में था, ये सोशल मीडिया का रूल चेंज हो रहा था ये सब। और यहाँ पे ब्लू इकोनॉमी अगर लिख लिए होंगे तो लिख लेंगे, नहीं तो आप ये बिहार को डिवाइड किया है फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री, आराम से लिख लिए होंगे, मतलब कि ज़्यादा नंबर आएगा लेकिन लिख लिए होंगे। और इसमें देखिएगा ये टेक्नोलॉजी का आइडियलाइजेशन, सही इंडिजनाइजेशन, स्वदेशीकरण कैसे हो रहा है, ये भी टॉपिक आप लोग लिख सकते हैं। और न्यूक्लियर एनर्जी BPSC का रिपीटेड क्वेश्चन है। और इंटरनेट ये भी बहुत न्यूज़ में था, 5G वगैरह आया था तो आपको पढ़ना जरूरी था। और ये मॉडर्नाइजेशन और बिहार कैसे हो रहा है, ये भी आप लोग लिख लिए होंगे, जैसे कि किस किस तरह का टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है वो बताना था। नैनो टेक्नोलॉजी ये तो 67 में भी पूछा हुआ था, तो आप लोग लिख लिए होंगे। कंप्यूटर और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये भी सॉफ्टवेयर वाला BPSC का रिपीटेड है, पहले देखिएगा PYQ में मिल जाएगा, ये आप पोर्टेबल वाटर वाला लिख सकते हैं। तो मिला जुला कर आपका GS2 तो ठीक ही है, और ये ऐसे थोड़ा सा गेम चेंजर करेगा, और आपको GS2 ठीक है, एवरेज मार्किंग जोड़ कर हम लोग चले हैं और देखना चाहिएगा। तो आप देखिए इसमें ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नोट्स लिखना था, इस पर तो सब लोग लिख लिए होंगे, बिरसा मुंडा है, इंडिगो रिवोल्ट, इस पर कम लिखेंगे लेकिन लिख लिए होंगे, पटना कलाम आराम से लिख लेंगे, 66 में भी आया हुआ था, और ये लॉन्ग में आया था, अब शॉर्ट में आ रहा है, तो ये देख सकते हैं। इस डेवलपमेंट ऑफ केप्स इन ईस्टर्न इंडिया इन एंसेंट, ये थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड है, तो थोड़ा सा इसीलिए कम हम लोग करके चल रहे हैं कटअप में, 160 ही जुड़े हैं, या 155 बना लीजिए तो इसको 130 बना लीजिए उस तरह से, लेकिन मिला जुला कर वहीं रहेगा। और ये इंटरनेशनल मूवमेंट का इमरजेंस कैसे हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, देख सकते हैं। अगर वो नहीं लिखोगे तो कॉलोनियल टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, ये तो 67 में भी आया था, लिख लिए होंगे। ये नॉर्थ इंडिया का टेम्पल्स के बारे में अगर लिखोगे तो लिखोगे, नहीं लिखोगे तो रविंद्रनाथ टैगोर का तो रिपीटेड है ना, ये तो लिखे होंगे तो काम हो जाएगा। और ये आप सेक्शन 1 में, तो यही चीज़ें फिर से आ गया। अब देखिए ये सेक्शन 2 में आइएगा, तो इसमें भी नोट लिखना था, ये नेशनल स्काउट्स एंड गाइड, ये जम्बूरे वाला क्वेश्चन टॉप था, इसको हम लोग कंसिडर ही नहीं किए हैं। और एक और वीडियो हम लोग ने कटअप का डाला था, जिसमें हम हर सब्जेक्ट क्वेश्चन में किस तरह का अटैम्प्ट लगा, कितना मार्क्स आ सकता है, वो हम लोग डिस्कस, वो भी देख सकते हैं, आई बटन या कमेंट मिल जाएगा। ये यूनाइटेड नेशन पब्लिक ये एडमिनिस्ट्रेशन नेटवर्क का USSDG गोल के बारे में पूछा हुआ था, तो सर टॉप क्वेश्चन लेकर लिख लिए होंगे, थोड़ा सा आइडिया होगा, करंट में अगर पढ़ता होगा तो। ई सर्विस का डिलीवरी बिहार में कैसे, ये भी रिपीटेड है बिहार का, देखिएगा PYQ मिल जाएगा। और सेल्फ रिलायंस बिहार को बनाना, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार की, आत्मनिर्भर भारत के अनुसार ये साइडलाइंस पूछ सकता था। UGC का ये अगर लिखे होंगे तो लिखे होंगे, अगर ये नहीं लिखे होंगे तो ये तो जरूर लिख सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रिपीटेड है। BPSC में G20 बहुत न्यूज़ में था, हम लोग ये 67 में भी कवर किए, तो वहाँ पर आप लोग कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन का रोल, ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था, ये कर लिए होंगे, ये नहीं तो ये तो आराम से कर लेंगे G20, तो यहाँ से आपका काम हो जाएगा जी। ये देखिए ये था आपका, मतलब कि कम स्टेटिस वाला पोर्सन, तो ज़्यादा टफ नहीं था, मिला जुला कर ठीक ही था। और 67 में तो बहुत लोग कन्फ्यूजन थे, लेकिन इसमें ठीक था, 66 के कंपेरिजन में आप देख सकते हैं। तो बस यही कहना था कि आप लोग अच्छे से मेहनत
करें, तैयारी करें और हमारा आईएसपीसीएस पॉसिबल चैनल को सब्सक्राइब करें और भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे। बस अब लास्ट में ही कंक्लूजन देख लेते हैं कि कितना कटा जाएगा। तो 125 125 आपको 250 और 160 410 तक जा रहा है, लेकिन हम लोग 400 पे ही इस बार का कटअप लेकर चल रहे हैं। और अपना कैटेगरी के अनुसार आप लोग 67 का कटअप देखिएगा या पिछले किसी भी ईयर का कटअप, उसके अकॉर्डिंग जितना गैप रहता है उसी के रेंज में गैप रहेगा। थोड़ा सा हो सकता है चेंज, लेकिन हम लोग एक रेंज दिए हैं 400 से 410। देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ था, बहुत आउट ऑफ कंट्री, लेकिन यूपीएससी वाले बहुत सारे बीपीएससी भी दे रहे हैं ना। कुछ लोग का पिछले वीडियो में कमेंट भी था, तो वो चीज़ यहाँ पे वो लोग लिख लिए होंगे ना। और सीट देख ही रहे हैं आप लोग कितना है, 300 है मात्र। तो इस बार 69th में भी 300 से कम ही है, तो ये देख सकते हैं। और फाइनल कटअप 500 के आसपास रहेगा, तो इंटरव्यू में आप लोग तैयारी करेंगे। और बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हम लोगों ने जितना आपको लगा, आपको इसके अकॉर्डिंग कुछ और पॉइंट लग रहा हो तो ज़रूर बताइएगा। तो थोड़ा सा फास्ट करने का प्रयास किया है कि ज़्यादा आप लोगों का टाइम जाए नहीं। तो क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया, सीट वगैरह भी देख लिया, और रिजल्ट का वही है कि आपका अक्टूबर में आने का चांस है, अक्टूबर नहीं तो नवंबर में क्लियर आएगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। CC7 का सबसे अपडेट डाला गया, RTA वगैरह मॉडल सर देखिएगा जरूर। एंड सब्सक्राइब करके जाइएगा, अपना जो भी आपका मतलब कि मार्क्स एक्सपेक्ट कर रहे हो कमेंट में बताइएगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग UPSC UPSC एग्जामिनेशन।